जब से राफेल भारत पहुंचा है तब से चीन बौखला गया है और इसी बौखलाहट में चीन लगातार राफेल को बदनाम करने और नीचा दिखाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। चीन लगातार दावे कर रहा है कि उसका J-25 जनरेशन का स्टील्थ विमान है जो कि राफेल से बेहतर है, मगर जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली ही वीडियो में बताया कि चीन ये कबूल कर चुका है कि उसका J-20 अमेरिका के F-35 विमान की हूबहू कॉपी है। अब ये आप बखूबी जानते हैं कि चीन का कॉपी और नकली सामान किस क्वालिटी का होता है, मगर फिर भी चीन को अपनी बेइज्जती कराने का बड़ा शौक है। इसी के चलते कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोहा ने चीन के J-20 लड़ाकू विमान की दो आसान सवाल पूछकर धज्जियां उड़ा दी थीं, जिनका जवाब चीन अब तक नहीं दे पाया है। दरअसल धनोहा ने पूछा था कि यदि J-20 वास्तव में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है तो इस पर कनार्ड्स क्यों हैं, जबकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों F-22, F-35 और रूस के 5वीं पीढ़ी के SU-57 में ये नहीं हैं। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा था कि यदि J-20 पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है तो इसमें सुपर क्रूज की क्षमता क्यों नहीं है, जबकि राफेल में सुपर क्रूज की क्षमता है और रडार सिग्नेचर की तुलना दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट से की जा सकती है। अब एक बार फिर धनोहा ने चीनी फाइटर J-20 को जमकर धोया है। दरअसल धनोहा ने रविवार को कहा कि राफेल न केवल J-20 से बेहतर है बल्कि पहाड़ी तिब्बत क्षेत्र में चीन के साथ किसी भी हवाई संघर्ष की स्थिति में भारत को राफेल विमानों से सामरिक लाभ यानी स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिलेगा और ये दुश्मन की हवाई रक्षा को नष्ट कर सकेगा तथा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी निष्प्रभावी कर देगा। बालाकोट हमले में अहम भूमिका निभाने वाले धनोहा ने कहा कि S-400 मिसाइल प्रणाली जो कि भारत को रूस से जल्द मिलने वाली है उसके साथ मिलकर राफेल जेट विमान भारतीय वायुसेना को पूरे क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त देगा और भारत के विरोधी उसके खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले दो बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामले में S-400 और राफेल का मकसद पाकिस्तानी विमान पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर हमला करना है, ना कि जब वे भारतीय क्षेत्र में अंदर आ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास फ्रांस में बने जेट विमान पहले से होते तो पिछले साल पड़ोसी देश ने 27 फरवरी को बालाकोट का जवाब नहीं दिया होता। धनोहा ने PTI भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक खूबियों से लैस राफेल तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकेगा और दुश्मन के हवाई क्षेत्र में अपने मिशन को पूरा करने के लिए एंटर करने से पहले उसे चकमा दे देगा। इसके अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना को मिल रहे राफेल विमान फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विमानों की तुलना में बहुत अधिक एडवांस हैं, क्योंकि भारत ने ले जैसी विशेष परिस्थितियों में अपने हिसाब से कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। गौरतलब है कि वायुसेना प्रमुख के रूप में धनोहा ने राफेल सौदे का उस समय जोरदार बचाव किया था जब विपक्षी दलों ने इस करार में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला था। धनोहा ने ही फ्रांस से राफेल के पूरे सौदे को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। राफेल और चीन के J-20 लड़ाकू जेट के बीच तुलना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आगे कहा कि चीनी विमान नज़र से ओझल होने वाले नहीं हैं और उनके मौजूदा इंजनों के साथ वे विमान भारतीय विमानों से बेहतर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीनी J-20 में लगी प्रणालियों की तुलना में फ्रांसीसी राफेल बहुत बेहतर है। गौरतलब है कि धनोहा पिछले साल 30 सितंबर को भारतीय वायुसेना प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि राफेल के दो और स्क्वाड्रन होने से भारतीय वायुसेना को बहुत ताकत मिलेगी।